सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का नगर पंचायत गणेशपुर में दिख रहा है जोरदार प्रचार प्रसार। आपको बता दें कि गणेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से दावेदारी कर रही सुमित्रा देवी माता राहुल निषाद का प्रचार प्रसार तेजी पे है। वहीं पूर्व विधायक दयाराम चौधरी की पत्नी जो कि बीजेपी से दावेदारी कर रही है, देखना पड़ेगा कि आखिर क्या कमल पर छड़ी भारी पड़ सकती है। बस्ती से अभिषेक गौतम की खबर, वंदे भारत न्यूज। मैं अभिषेक गौतम, आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। इस समय हम गणेशपुर में मौजूद हैं। यहाँ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की पार्टी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और कैंपेनिंग चल रहा है। आइए यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है गणेशपुर में। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि गणेशपुर में अभी क्या माहौल है। पहले तो मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने गणेशपुर नगर पंचायत का हाल लेने चले आए हैं, इसके लिए आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताना चाहता हूँ, ये गणेशपुर नगर पंचायत श्री राहुल निषाद, माता सुमित्रा देवी निषाद को जिताने के बाद ये आदर्श नगर पंचायत बनने जा रहा है। और निश्चित तौर पर आपको बता दूँ, ये हमारे प्रत्याशी के मुकाबले कोई प्रत्याशी यहाँ है नहीं। ये गरीब है, नौजवान है, लेकिन जब चुनाव टला तो सारे लोग जा करके बिल में घुस गए, कोई पता नहीं चला किसी का। गरीबों का दुख दर्द मदद करता रहा, इससे बेहतर कोई प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है। और यहाँ की जनता हाथों हाथ ले लिया है और भारी मतों से जिस दिन 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस दिन भारी मतों से ये इतिहास बनाने जा रहा है। यहाँ यहाँ के नगर पंचायत का यहाँ बुलडोजर तो भारी नहीं पड़ने वाला है। बुलडोजर क्या भारी पड़ेगा, अब बुलडोजर धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता बुलडोजर पर लगाम लगा दिया है। कहा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, अरे मुख्यमंत्री जी, यदि आप बुलडोजर चलाना चाहते हो तो पहले उन गरीबों को स्थापित करो। जिसके पास जमीन नहीं है, वो जहाँ बसा हुआ है, पहले उसकी जमीन की व्यवस्था करो, घर बनाने की व्यवस्था करो, उसके बाद बुलडोजर चलाओ। नहीं तो बुलडोजर आप चलाने की हिम्मत आपकी नहीं हो सकती है। और देखिए, गरीबों का मकान गिरना उजड़ना बंद हो गया है। विरोधी दल के लोग ये भी कह रहे हैं कि उन चार विधानसभा सीटें, चार सीटें आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में जितना बल लगाना होगा मैं लगाऊंगा और 9 सीट पूरा हासिल करूंगा। इस पे क्या कहेंगे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जब बीजेपी गठबंधन थे, गठबंधन में थे, तो बस्ती जनपद की 5 सीटें जीते थी, पूर्वांचल की सभी सीटें जीते थी। और जैसे ही उनसे हटे, आपका परिणाम है बस्ती में 4 सीट, 3 सीट सपा जीती। और सपा गठबंधन में, सपा सुभाषपा गठबंधन में माननीय दूधराम जी नगर महादेवा के विधायक जो सुभाषपा से जीते, ये भारतीय समाज पार्टी माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की देन है जो यहाँ जीती हुई है। एक चीज में यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। चाचा इधर आइए, आप कहीं वो लैला के उसमें तो नहीं आप पड़े हुए? नहीं नहीं, लैला तो नहीं बटने वाला है इस बार। ऐसी को बात। अच्छा, बिल्लो रानी? नहीं, बिल्लो रानी नहीं आ रही है इस बार चुनाव में। चलिए यार, युवा है कुछ, आइए आप बताइए कि क्या माहौल है अभी इस चुनाव में, क्या अच्छा है माहौल? अच्छा माहौल चल रहा है। कौन जीत रहा है भैया? अच्छा, राहुल जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अध्यक्ष जी हैं, आइए इनसे मैं बातचीत करूंगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो है अध्यक्ष जी हैं, अमन राजभर जी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या अभी माहौल चल रहा है, आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। माहौल इतना चल रहा है, दूसरी पार्टियां जितने भी विरोधी दल के सब भाग गए। अच्छा, सब वो खदेड़ा हो गया इन लोगों का। यहाँ जनता ने सबको जवाब दे दी है कि सिर्फ राहुल निषाद चुनाव निशान छड़ी, माता सुमित्रा देवी, सिर्फ राहुल निषाद। जी, इस बार पीला मोचा, इस बार पीला मोचा पूरे गणेशपुर में एक कदम धड़ल्ले से आ रहा है। इसमें किसी की हैसियत नहीं, छड़ी लेके भगाने वाले, छड़ी लेकर यहाँ के सभी विरोधी दल को भगाने का कार्य करेंगे राहुल निषाद।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत किए राजभर समाज से, राजभर पार्टी से हमने बातचीत किया और यहाँ के नगर पंचायत क्षेत्र का आपने हाल जाना। वंदे भारत से अभिषेक गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और देख रहा हूँ कि बस्ती जिले में पीला गमछा जो है काफ़ी जो है चर्चित रहा है और देखने को भी मिला। क्या सारे नगर पंचायत क्षेत्र में जो है आपके प्रत्याशी उतरे? हमारे नगर पंचायत क्षेत्र आप यहाँ देख रहे हैं जी। राहुल निषाद जी, माता सुमित्रा देवी निषाद जी धड़ल्ले से चल रही हैं, जीत रही हैं, कोई मुकाबले नहीं है, इनका मुकाबला कोई करने वाला नहीं है जी। सारे लोग मैदान अब धीरे धीरे अब खिसक रहे हैं। अभी अभी कल रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि अभी अब नामांकन का जांच हुआ है और जांच होने के बाद जब क्षेत्र में उतरे हैं तो जनता यहाँ जाँच करके बता दी है कि कौन किस लायक है। यहाँ जनता रिजल्ट देना शुरू कर दी है और आपको बता देना चाहता हूँ कि सारे लोग मैदान छोड़ देंगे, मैदान में कोई टिके उकेगा नहीं। अब जैसे मान लीजिए बनकटी में मेरा कैंडिडेट उमेश गौड़, चंद्रमान गौड़ जी हैं, आप ये गाय घाट में हमारे राजेंद्र सोनकर जी हैं, यहाँ हमारे निषाद जी हैं और हमारी एक शेरनी जो अभी कल प्रेस वार्ता हुआ आप देखे ही हैं, जो झाड़ू लगाते लगाते बेकार हो गई, लेकिन जब लगा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वास्तव में गरीबों के नेता है, छड़ी छड़ी लेके मारने की बात कर रहे थे, वो छड़ी है। अब छड़ी से मारने का जितना भ्रष्टाचार हुआ है इस बस्ती जनपद में, दस की तो बात छोड़ दीजिए, मैं बस्ती जनपद की बात कर रहा हूँ, जितना भ्रष्टाचार हुआ है उसी छड़ी से ममता शुक्ला और हमारे राहुल निषाद सर को ठीक करने का। क्या बच्चा है आपका? मेरा विनोद कुमार राजभर, राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र भारती। गणेशपुर नगर पंचायत क्षेत्र से जो दावेदारी कर रहे हैं राहुल जी हैं हमारे साथ, उनसे ये जानते हैं कि कौन कौन सा विकास का मुद्दा है जो लेके आप कर रहे हैं। हमारे विकास के मुद्दे यहाँ पे हैं, जैसे नाली से संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं, यहाँ पे पानी जो है जल जमाव हर गांव में हर रोड पे रहता है और जो सड़कें नहीं हैं आप जाके देखेंगे पिछले 75 सालों से यहाँ का विकास कैसा हुआ है, किस तरीके से है, आप जाते होंगे, सर्वे करते होंगे, देखते होंगे। तो हमारे मेन मुद्दे हैं यहाँ की सड़क और नालियों को लेके और आवास से संबंधित समस्याएं जो हैं उनको उनका निदान करने के लिए हम जो है चाहते हैं कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनका आवास दे दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही थी उसके अंतर्गत लोगों को आवास नहीं मिला है? उसके अंतर्गत लोगों को आवास बहुत अच्छी तरीके से मिला, इतना मिला है कि सब लोग छपरा रख के रह रहे हैं और वो पानी चू रहा है, इतना बढ़िया आवास सबको मिला हुआ है प्रधानमंत्री आवास। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं? और मुद्दे हैं हमारे जो गरीब तबके के लोग जो पात्र हैं आवास के उनको आवास दिया जाए, जो शौचालय के पात्र उनको शौचालय दिया जाए, जो अपात्र हैं उनको सरकार देती जा रही है जो किसी काम के नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। चाचा इधर आइए आप। आप कहीं वो लैला के उसमें तो नहीं आप पड़े हुए? नहीं, लैला तो नहीं पटने।